मेरी गलती से वो चोर निकल गया, तो अपने बेटे को फॉलो कर रहा था यार। अबे मुझे क्या पता था कि वो मेरा बेटा निकलेगा, मुझे तो लगा कोई शेडी कैरेक्टर है। कसम से अब बोल क्या बोलूं, क्या बोलूं। मशीन से गाली खा ली ना भी, अब वो पुलिस वाला है, गाली देगा और क्या देगा। तेरी गलती से वो चोर निकल गया, तू अपने बेटे को फॉलो कर रहा था यार। अबे मुझे क्या पता था कि वो मेरा बेटा निकलेगा, मुझे तो लगा कोई शेडी कैरेक्टर है। अभी केस हाथ पे गया, छोड़ो अभी, छोड़ चोर को। अच्छा चलो, चोर भी गया, केस भी गया, गालियां भी खा ली, कुछ खाना ही खा रहे हैं अब। अबे यार इसको इस टाइम भी खाने की पड़ी है इसको। मैं चला यार, मैं जा रहा हूँ। चलो आप भी आ जाए। अच्छा भाई रेफ, जान तो हमें कमीशन से खा ली। हाँ अभी बातें करना, तुझे मुँह जो लटका हुआ है ना उसको ऐसे पकड़, ऊपर ढस मार, खाना आ गया है। खाना आ गया है, कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है खाने की बात करो। चलो कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट से जाएंगे राइट को। चलो सही है, पहले ट्राई करेंगे ये सदन फ्राइड विंग्स है। सदन फ्राइड विंग्स आराम से खाने हैं, मिर्च गलत पाइप में ना चली जाए। ये हो सकता है भाई, हो सकता है। अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, ये सदन फ्राइड विंग्स हैं और ये थोड़े से सॉस के साथ है, मैं अपने भाई को तोड़ के दूंगा। ये देखें आप, और थोड़ा सा मैं लूंगा, इसको टच करेंगे तो देखेंगे क्या सीन है। जो सॉस लेंगे इसके ऊपर Nice. पहले मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें सॉस है तो ये सॉकी होगा। हाँ। लेकिन वो सॉस उसके लिए ठीक है, गुड गुड फ्लेवर। चलो आगे चलो। चलो अब ये जो है, ये है स्टेक प्लेटर, रिबाई स्टेक है, रिबाई स्टेक है, साथ ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, स्टेक कट चिप्स हैं। हाँ। और कॉर्न पेपरकॉर्न सॉस है। हाँ। बेहतरीन। तो ऐसे करते हैं ना, इसको हम काटते हैं, एक छोटे टोटे को काटो, छोटे टोटा काटो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हाँ। ये मैं अपने भाई को देता हूँ, ये ले तू ले। क्या बात है, छुरी की नोक पे दे दे। हाँ वही ना भाई, इसको डुबाओ। मैं भी डुबा लूंगा, अभी इसको मुंह की तरफ लेके आओ। This is good steak. Steak quality. आप देख रहे हैं, उन्होंने रिब आया ना, इसके साथ फैटी लाइंस होती हैं, वो फैटी लाइंस सारी प्रेजेंट हैं। अच्छा फ्लेवर, अच्छा इसको उन्होंने रोस्ट किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। पेपरकॉर्न सॉस वेरी नाइस है, और स्टेक कट चिप्स भी अच्छे फ्रेश बिल्कुल भले नजर आ रहे हैं। गुड डिश। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भाई हाफ पेरी पेरी चिकन है, ये चावल है और ये चिप्स है। बफलो सॉस के मुकाबले में पेरी सॉस कितनी अच्छी है। भाई पकड़, मेहरबानी, ये मैं पकड़ता हूँ, डिफरेंस होता है। अभी इसको हम मुंह में डालते हैं। लेकिन ये नाइस है, और इसमें बहुत जनरसली लगाई हुई है, तो अगर आप सॉस को देखें तो आपको पता चलेगा। और साथ इसके राइस वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अगर आप देखें इसको तो साथ इसके जो है वो ग्रेवी भी है और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, कॉर्न भी है, स्टेक चिप्स भी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका ये सेटअप है, रियली नाइस। कार्ब और प्रोटीन का बहुत अच्छा बैलेंस है इसमें। अब हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे
जाने वाला डिफिकल्ट कौन से कोर्स में जाएंगे अभी हॉट डॉग ले तो खा ले तब जाएंगे भाई हॉट डॉग की तरफ जाएंगे हॉट डॉग ले आओ इसको मैं यहां से हटा देता हूं अब साइड पे कर लो उसको जो ये दे है हॉट डॉग इसमें ये रेड कैबेज वगैरह डली हुई है और साथ इसमें ये एंगस बीफ की स्टेक है बहुत शानदार और इसको हम वैसे खाना तो इसको अपने तरीके से चाहिए लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नहीं यार इसको हमें हाँ छुरी भी लाऊं छुरी ज़बा कर देते हैं इसको ऐसे आई शब्द करते हैं इसको आई यार अभी तो भी ज़बा कर मैं बस ये सोफा तो इसमें फेवरेट ये जो ब्रियोश है ना इतना खूबसूरत टोस्ट है ब्रियोश को आप देखें बहुत ही अच्छी तरह टोस्ट हुआ है ये आपको टोस्ट के निशान में नजर आ रहे हैं और ये जो रेड कैबेज और ये जो सॉस है ना ये स्वीट एंड सॉफ्ट फ्लेवर कितना अच्छा दे रही है अभी मैंने इसे स्टेक ही इसका खाया है इट्स जूसी इट्स सॉफ्ट जबरदस्त ड्राई नहीं है एंड दैट्स द मेन थिंग अब तक मेरा फेवरेट डिश है राइट लास्ट बट नॉट लीस्ट हम उसको अब स्पॉटलाइट डालते हैं जिसको हमने चोर समझा हुआ था सो उसको आदम को ही करते हैं क्योंकि वो चोर था पहले हमने गलती से उसको चोर बोला अब आदम जो है वो अपने बर्गर का हमें रिव्यू देगा तो ये है पोर्चुगीज स्टाइल बर्गर ये चिकन फिले मैरिनेटेड स्पाइसी किस्म का और बहुत सारा चीज़ी है और बहुत ज़्यादा हालापीनोस सब कुछ है उसके साथ चीज़ी करी फ्राइज आते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन का फ्राइज आते हैं तो हाँ स्पाइसी है बहुत लेकिन अच्छा टैंगी है बहुत ज़्यादा अच्छा सा स्पाइसेस है फ्लेवर्स है ओवरऑल बहुत अच्छा है अभी मैं फ्राइज ट्राई कर रही हूँ ये है कर्ली फ्राइज चीज के साथ ये मैं बहुत चीज लवर हूँ तो अच्छा है मैंने सोचा क्योंकि बहुत ज्यादा चीज है थोड़ा सा ब्लैंड हो जाएंगे लेकिन नहीं है अच्छा बैलेंस है चीज और फ्राइज का साफ खाना तो खा लिया है सारा दिन चोर सफाई भी खेल लिया है बहुत जबरदस्त डांट भी खा ली है बहुत सख्त अच्छा अभी इनको रिव्यू दे दे भाई यहाँ फुल एंड फाइनल कर ही दे जल्दी जल्दी करते हैं नींद आ रही है थके हुए हैं मुझे भी जाना है यार बीवी की याद आ रही है सब के जाओ ऐसा चक्कर लगा देता है बीच में अच्छा तो सारा खाना हमने आपको दिखा दिया है मैं ये कहूँगा इनका रिव्यू देना आसान है व्हाई क्योंकि हर चीज जो इनकी है वो गुड है बट नॉट एक्सीलेंट No, I agree with that. जो for example मैंने जो ribeye steak मंगाया था अच्छा था it's not that it wasn't good लेकिन मैंने उसे बेहतर खाए और price wise भी same way Paris chicken जो है वो भी हमने उससे बेहतर खाया अच्छा था लेकिन बेहतर खाया है wings अच्छे थे बेहतर खाए है दूसरा एक चीज जो हम बल्कि कहेंगे कि actually इनको focus करना चाहिए Lucky's को वो price है price yeah ये महंगा है जितने पैसों में आपको जितना खाना मिल रहा है उससे सस्ते में आप इतना ही अच्छा at least खा सकते हैं ठीक है तो इसी का ध्यान रखें तो ओवरऑल आई थिंक 4 out of 5 इनकी सर्विस अच्छी थी सर्विस अच्छी थी बहुत अच्छी सर्विस डेकोर बहुत अच्छा है पार्किंग स्पेस बड़ी है सारा कुछ है और इनके जो मैनेजर वो भी बहुत अच्छा था आई वेरी अंडरस्टैंडिंग वेरी अकोमोडेटिंग था सो इट वाज रियली गुड आई वुड से सो 4 out of 5 आई थिंक 4 out of 5 आई थिंक इज दिस या चल भाई बस हो रही है बस हो गई अभी जो भगाया जो आज तुमने पूरे दिन मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा अभी भाई भाई का तूने साथ दिया तेरी मेहरबानी बहुत चलो फिर जनता को कहते हैं जिंदगी रही फिर मिलेंगे